मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। आज सिंबल का दिन है, प्रत्याशी अपना सिंबल लेने आए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी लड़ाई ईश्वर मनी ओझा जी ने जीती है वार्ड नंबर 59 से। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ वो हार्ट सीट। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि वार्ड गोरखपुर जिले के वार्ड नंबर वो कौन से ऐसे वार्ड हैं जो हॉट हैं और बीजेपी के ऐसे प्रत्याशी जिस पे सबकी नज़र है, वो वार्ड है 59। एक खबर आई सूत्रों के हवाले से कि दिलीप राम त्रिपाठी अपना नाम वापस ले रहे हैं, ये चर्चा का विषय था। और ईश्वर मणि ओझा लगातार अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं वार्ड नंबर 59 से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ईश्वर मणि ओझा जी भी मौजूद हैं और दिलीप राम त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपना पर्चा वापस किया है, वो भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंतिम क्षण में अपनी लड़ाई क्यों सिमेट ली? ईश्वर मणि ओझा जी के राह के आप रोड़ा बन रहे थे, अब राह आसान करने जा रहे हैं, अंतिम क्षण में क्यों? जी, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। भाई साहब, ईश्वर मणि ओझा पवित्र भाव से अनवरत प्रयत्नशील थे काफ़ी दिनों से। जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि चुनाव अभी कुछ समय बाद होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने जल्द से जल्द फैसला दे करके और 15 अप्रैल को वोटिंग के लिए निर्णय ले लिया। लिहाजा उनके अथक प्रयास विनम्र भाव को देखते हुए क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ, यदि वार्ड नंबर 59 में विकास का गंगा बहाना है तो हम सबको जनता के सम्मान में एकजुट होकर के और ऐसे प्रत्याशी के साथ समर्थन दे करके जनता का सम्मान करना है जो प्रत्येक मताधिकार को देने वाले, प्राप्त करने वाले लोगों तक पहुंच करके अपनी बात रख सके। ऐसे में ईश्वर मणि ओझा ने ऐसा परिश्रम किया है जो प्रत्येक मतदाताओं तक पहुंच करके अपने आवाज़ को, अपने आशीर्वाद पाने को, प्रयास को सफल बनाया है। इसी मद्देनज़र हमने यह निर्णय लिया अचानक कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए यह सबसे उपयुक्त निर्णय होगा ईश्वर मणि ओझा के साथ समर्थन कर और अपने क्षेत्र का विकास करें। आप लड़ाई त्रिकोणी कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या दिखा आपको ईश्वर मणि ओझा जी में, बीजेपी में, कि आपने अचानक अपना पर्चा वापस कर दिया? जी, ग्राम सभाओं में संपर्क के दौरान प्रत्येक लोगों से चर्चा करने के बाद यह पता चला, यदि हम प्रत्येक लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी आवाज़ को नहीं रख पाते हैं, तो हमें उन सभी लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। उन सभी लोगों ने राय दिया, यदि वास्तव में विकास करना है, और दूसरी बात, जिला परिषद अध्यक्ष के लिए ईश्वर मणि ओझा जी का चर्चा भी है कि यदि जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो आगामी गोरखपुर जनपद के जिला परिषद अध्यक्ष के लिए वो प्रस्तावित होंगे, उनका नाम प्रस्तावित किया जाएगा और भविष्य में जिला पंचायत अध्यक्ष बन करके गोरखपुर के सम्मान में आगे बढ़ेंगे। ये दिलीप राम त्रिपाठी जी, जैसा कि आपका नाम है ईश्वर मणि ओझा, तो आप लगातार अपने वार्ड नंबर 59 में ईश्वरीय चमत्कार कर रहे हैं, ऐसा अंतिम क्षण में कैसे कर पा रहे हैं? ये सब माँ भगवती की कृपा से हो रहा है और हमारे सभी आदरणीय लोगों के कृपा से हो रहा है। वार्ड नंबर 59 की सभी देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हो रहा है, अकेले हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। ये सभी वार्ड नंबर 59 के देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है और हमारे आदरणीय दिलीप राम त्रिपाठी जी भैया का आशीर्वाद है। ये बड़े भाई हैं, इन्होंने अपना आशीर्वाद अपने छोटे भाई को दिया है। ये सब भगवान की कृपा, माँ भगवती की। बीजेपी को देखा जा रहा है आज 100 साल से कि वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, वो किसी भी चुनाव को छोटे लेवल में नहीं देखती है। क्या लग रहा है, पार्टी हाईकमान से ऐसा करने का आदेश था या फिर सर ने खुद, दिलीप राम त्रिपाठी ने खुद स्वेच्छा से अपना नाम वापस किया है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़े गंभीरता से लेती है। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, सब लोग
हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जो भी जिले के पदाधिकारी हैं या जो भी प्रभारी हैं, सब लोग पंचायत चुनाव को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं और किसी भी तरीके से नियमानुसार बेहतर से बेहतर चुनाव में अपनी पार्टी के सब लोग जीत के आवें, ये पार्टी का उद्देश्य है। सियासी गलियारों में जैसे चर्चा चल रही है कि ईश्वर मणि ओझा अगर जीत कर आते हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए इनका नाम सबसे ऊपर होगा, क्या उस राह को आसान करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, इस बारे में मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने हमको अपना प्रत्याशी बनाया वार्ड नंबर 59 से जिला पंचायत का। आगे पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, परम पूज्य महाराज जी का जो आदेश होगा या पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं उनका जो आदेश होगा, उस आदेश का पालन हम करने को तैयार रहेंगे। कुछ और लोग हैं उस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? उपेंद्र दुबे, एडवोकेट। अंतिम क्षण में नाम चेंज होना, इसको आप सियासी गलियारों में कैसे देखते हैं? ईश्वर मणि ओझा जी 59 के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, विगत एक माह से इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना टिकट देकर इनको और भी मजबूत बनाया है और पूर्व प्रत्याशी रहे दिलीप राम त्रिपाठी जी ने अपना आशीर्वाद देकर इनको और मजबूत बनाने का प्रयास किया। आशीर्वाद पहले भी दे सकते थे। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान दिलीप राम त्रिपाठी जी को पता चला कि ईश्वर मणि ओझा जी अपने आवाज़ को और बुलंद कर रहे हैं और उनको कहीं से लगा होगा कि हमारा छोटा भाई 59 का विकास भली भांति से कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ और लोग, सर आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण दुबे। अंतिम क्षण में नाम वापस करना, आप अपने नज़र से कैसा देख रहे हैं वार्ड नंबर 59 के लिए ईश्वर मणि ओझा की तरफ से? उस क्षेत्र के विकास को देखते हुए हमें लग रहा है कि माननीय दिलीप राम त्रिपाठी जी ने जो अपना समर्थन दिया है वह 59 के विकास में ईश्वर मणि ओझा के साथ अपना कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए वो तैयार हैं और उस क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने एक कदम उठाया। कंधा तो पहले भी मिला के चल सकते थे, लेकिन अंतिम क्षण में जब आज सिंबल मिल रहा है, ऐसी स्थितियों को उन्होंने जब देख लिया कि स्थिति कुछ वहाँ और होने वाली है, अगर हम सहयोग उनका करेंगे तो अधिक से अधिक मतों से वो वहाँ जीतेंगे, और ऐसी स्थिति को देख करके उन्होंने ये कदम उठाया है। जी, कुछ और लोग, सर आपका नाम क्या है? रमेश दुबे। अंतिम क्षण में नाम वापस कर लेना, लड़ाई को ये त्रिकोणी कर रहे थे, ईश्वर मणि ओझा जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के दावेदार माने जा रहे हैं, उस सीट पर बीजेपी की साख है, इनका हारना यानी कि मोदी योगी का हारना, जो भी प्रत्याशी जिनको भी बीजेपी अपना बैनर दी है, क्या लगता है ये सियासी खेल है या इन्होंने खुद अपना नाम वापस किया? नहीं नहीं, दिलीप मणि त्रिपाठी जी ने स्वेच्छा से नाम वापस लिया है और क्षेत्र भ्रमण के दौरान इनको जानकारी हुई और इनके ग्राम पंचायत के बारे में भी जानकारी हुई कि पहली बार प्रधान होने के बाद ग्राम पंचायत का इस तरह से विकास किया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया और तमाम लोगों के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह जानकारी हुई कि ये एक स्वच्छ छवि और कर्मशील नेता हैं और इनके चयनित होने पर क्षेत्र का विकास भारी विकास होगा और विकास की गंगा बहेगी। आपने दोनों लोगों को सुना है, दोनों लोगों का मतलब कि ईश्वर मणि ओझा जी को और दिलीप राम त्रिपाठी जी को भी सुना, इन्होंने किन कारणों से अपना नाम वापस लिया? इनका ये कहना था दिलीप राम त्रिपाठी जी का कि बीजेपी विकास की गंगा बहा रही है, जब ये क्षेत्र में घूम रहे थे तो काफ़ी समर्थन मिल रहा था, इन्होंने जैसा कहा कि छोटे भाई का, तो इन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर इन्होंने ये नाम अपना वापस अंतिम क्षण में किया है, लेकिन सियासी गलियारों में लड़ाई तेज हो गई है कि ईश्वर मणि ने सह और मात का खेल किया है। ईश्वर मणि ओझा, हमारे सूत्रों से और सियासी गलियारों से ये खबर आ रही है कि अगर इनकी जीत ठीक हुई, ठीक का मतलब कि अगर ये वहाँ से जीतते हैं तो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी लगभग 80% इन्हें माना जा रहा है, ईश्वर मणि ओझा जी को। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।